सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम गदा पर्व 52वां अध्याय वृद्ध कन्या का चरित्र, श्रृंगवान के साथ उसका विवाह और स्वर्ग गमन तथा उस तीर्थ का महात्म्य। जनमेजय ने पूछा, भगवान, पूर्व काल में वह कुमारी तपस्या में क्यों संलग्न हुई? उसने किस लिए तपस्या की और उसका कौन सा नियम था? ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से यह अत्यंत उत्तम तथा परम दुष्कर तप की बात सुनी है। आप सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बताइए, वह कन्या क्यों तपस्या में प्रवृत्त हुई थी? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक महान शक्तिशाली और महायशस्वी कुणीर गर्ग नामक ऋषि रहते थे। तपस्या करने वालों में श्रेष्ठ उन महर्षि ने बड़ा भारी तप करके अपने मन से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। नरेश्वर, उसे देखकर महायशस्वी मुनि कुणीर गर्ग बड़े प्रसन्न हुए और कुछ काल के पश्चात अपना यह शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। तदनंतर कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली वह कल्याणमयी सती साध्वी सुंदरी कन्या पूर्व काल में अपने लिए आश्रम बनाकर बड़ी घोर तपस्या तथा उपवास के साथ साथ देवताओं और पितरों का पूजन करती हुई वहां रहने लगी। राजन, उग्र तपस्या करते हुए उसका बहुत समय व्यतीत हो गया। पिता ने अपने जीवन काल में उसका किसी के साथ ब्याह कर देने का प्रयत्न किया, परंतु उस अनिंद्य सुंदरी ने विवाह की इच्छा नहीं की। उसे अपने योग्य कोई वर ही नहीं दिखाई देता था। तब वह उग्र तपस्या के द्वारा अपने शरीर को पीड़ा देकर निर्जन वन में पितरों तथा देवताओं के पूजन में तत्पर हो गई। राजेंद्र, परिश्रम से थक जाने पर भी वह अपने आप को कृतार्थ मानती रही। धीरे धीरे बुढ़ापा और तपस्या ने उसे दुर्बल बना दिया। जब वह स्वयं एक पग भी चलने में असमर्थ हो गई, तब उसने परलोक में जाने का विचार किया। उसकी देह त्याग की इच्छा देख देवऋषि नारद ने उससे कहा, महान व्रत का पालन करने वाली निष्पाप नारी, तुम्हारा तो अभी विवाह संस्कार भी नहीं हुआ, तुम तो अभी कन्या हो, फिर तुम्हें पुण्य लोक कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तुम्हारे संबंध में ऐसी बात मैंने देवलोक में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की है, परंतु पुण्य लोकों पर अधिकार नहीं प्राप्त किया है। नारद जी की यह बात सुनकर वह ऋषियों की सभा में उपस्थित होकर बोली, साधु शिरोमणि, आप में से जो कोई मेरा पाणी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। उसके ऐसा कहने पर सबसे पहले कालव के पुत्र श्रृंगवान ऋषि ने उसका पाणी ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और सबसे पहले उसके सामने यह शर्त रखी, शोभने, मैं एक शर्त के साथ आज तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। विवाह के बाद तुम्हें एक रात मेरे साथ रहना होगा। यदि यह स्वीकार हो तो मैं तैयार हूं। तब बहुत अच्छा कहकर उसने मुनि के हाथ में अपना हाथ दे दिया। फिर गालव पुत्र ने शास्त्रोक्त रीति से विधिपूर्वक अग्नि में हवन करके उसका पाणी ग्रहण और विवाह संस्कार किया। राजन, रात्रि में वह दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित और दिव्य गंध युक्त अंगराग से अलंकृत परम सुंदरी तरुणी हो गई। उसे अपनी कांति से सब ओर प्रकाश फैलाती हुई देख गालव कुमार बड़े प्रसन्न हुए और उसके साथ एक रात निवास किया। सवेरा होते ही वह मुनि से बोली, तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी। आपका मंगल हो, कल्याण हो, अब आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूं। यों कहकर वह वहां से चल दी। जाते जाते उसने फिर कहा, जो अपने चित्त को एकाग्र कर इस तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके एक रात निवास करेगा, उसे 58 वर्षों तक विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह साध्वी तपस्विनी देह त्याग कर स्वर्ग लोक में चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गए। उन्होंने शर्त के अनुसार उसकी तपस्या का आधा भाग बड़े कष्ट से स्वीकार किया। फिर वे भी अपने शरीर का परित्याग करके उसी के पथ पर चले गए। भरत श्रेष्ठ, वे उसके रूप पर बलात् आकृष्ट होकर अत्यंत दुखी हो गए थे। यह मैंने तुमसे वृद्ध कन्या के महान चरित्र, ब्रह्मचर्य पालन तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति रूप सदगति का वर्णन किया। वहीं रहकर शत्रुओं को संताप देने वाले बलराम जी ने शल्य के मारे जाने का समाचार सुना था। वहां भी मधुवंशी बलराम ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दे समंत पंचक द्वार से निकलकर
ऋषियों से कुरुक्षेत्र के सेवन का फल पूछा। प्रभु, उस यदुसिंह के द्वारा कुरुक्षेत्र के फल के विषय में पूछे जाने पर वहां रहने वाले महात्माओं ने उन्हें सब कुछ यथावत रूप से बताया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। 53वां अध्याय ऋषियों द्वारा कुरुक्षेत्र की सीमा और महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, समंत पंचक क्षेत्र सनातन तीर्थ है, इसे प्रजापति की उत्तर वेदी कहते हैं। वहां प्राचीन काल में महान वरदायक देवताओं ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पहले अमित तेजस्वी बुद्धिमान राज ऋषि प्रवर महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र को बहुत वर्षों तक जोता था, इसलिए इस जगत में इसका नाम कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। बलराम जी ने पूछा, तपोधनों, महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र को किस लिए जोता था? मैं आप लोगों के मुख से यह कथा सुनना चाहता हूं। ऋषि बोले, राम, सुना जाता है कि पूर्व काल में सदा प्रत्येक शुभ कार्य के लिए उद्यत रहने वाले कुरु जब इस क्षेत्र को जोत रहे थे, उस समय इंद्र ने स्वर्ग से आकर इसका कारण पूछा। इंद्र ने प्रश्न किया, राजन, यह महान प्रयत्न के साथ क्या हो रहा है? राजर्षि, आप क्या चाहते हैं जिसके कारण यह भूमि जोत रहे हैं? कुरु ने कहा, शतक्रतो, जो मनुष्य इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यात्माओं के पाप रहित लोकों में जाएंगे। तब इंद्र उनका उपहास करके स्वर्गलोक में चले गए। राजर्षि कुरु इस कार्य से उदासीन न होकर वहां की भूमि जोतते ही रहे। शतक्रतु इंद्र अपने कार्य से विरत न होने वाले कुरु के पास बारंबार आते और उनसे पूछ पूछ कर प्रत्येक बार उनकी हंसी उड़ाकर स्वर्गलोक में चले जाते थे। जब राजा कुरु कठोर तपस्या पूर्वक पृथ्वी को जोतते ही रह गए, तब इंद्र ने देवताओं से राजऋषि कुरु की वह चेष्टा बताई। यह सुनकर देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र से कहा, शक्र, यदि संभव हो तो राजऋषि कुरु को वर देकर अपने अनुकूल किया जाए। यदि यहां मरे हुए मानव यज्ञों द्वारा हमारा पूजन किए बिना ही स्वर्गलोक में चले जाएंगे, तब तो हम लोगों का भाग सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने वहां से आकर राजऋषि कुरु से कहा, नरेश्वर, आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हैं? मेरी बात मान लीजिए। महामते राजेंद्र, जो मनुष्य और पशु पक्षी यहां निराहार रहकर देह त्याग करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे, वे स्वर्गलोक के भागी होंगे। तब राजा कुरु ने इंद्र से कहा, देवराज, ऐसा ही हो। तदनंतर कुरु से विदा ले बलसूदन इंद्र फिर शीघ्र ही प्रसन्न चित्त से स्वर्गलोक में चले गए। यदुश्रेष्ठ, इस प्रकार प्राचीन काल में राजऋषि कुरु ने इस क्षेत्र को जोता और इंद्र तथा ब्रह्मा आदि देवताओं ने इसे वर देकर अनुग्रहित किया। भूतल का कोई भी स्थान इससे बढ़कर पुण्यदायक नहीं होगा। जो मनुष्य यहां रहकर बड़ी भारी तपस्या करेंगे, वे सब लोग देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो पुण्यात्मा मानव वहां दान देंगे, उनका वह दान शीघ्र ही सहस्त्र गुना हो जाएगा। जो मानव शुभ की इच्छा रखकर यहां नित्य निवास करेंगे, उन्हें कभी यम का राज्य नहीं देखना पड़ेगा। जो नरेश्वर यहां बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, वे जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक स्वर्गलोक में निवास करेंगे। हलायुद्ध, स्वयं देवराज इंद्र ने कुरुक्षेत्र के संबंध में यहां जो गाथा गाई है उसे आप सुनिए। कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ाई हुई धूलियां भी यदि ऊपर पड़ जाए तो वे पापी मनुष्य को भी परम पद की प्राप्ति कराती है। श्रेष्ठ देवताओं, यहां ब्राह्मण शिरोमणि तथा निर्ग आदि मुख्य मुख्य पुरुष सिंह नरेश महान यज्ञों का अनुष्ठान करके देह त्याग के पश्चात उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। तरंतुक, अरंतुक, रामहृद तथा मचक्रुक, इनके बीच का जो भूभाग है यही समंत पंचक एवं कुरुक्षेत्र है। इसे प्रजापति की उत्तर वेदी कहते हैं। यह महान पुण्य प्रद कल्याणकारी देवताओं का प्रिय एवं सर्वगुण संपन्न तीर्थ है। अतः यहां रणभूमि में मारे गए संपूर्ण नरेश सदा पुण्यमयी अक्षय गति प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं सहित साक्षात इंद्र ने ऐसी बातें कही थी तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी ने इन सारी बातों का अनुमोदन किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में
बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। 54वां अध्याय प्लक्ष प्रसरवण आदि तीर्थों तथा सरस्वती की महिमा एवं नारद जी से कौरवों के विनाश और भीम तथा दुर्योधन के युद्ध का समाचार सुनकर बलराम जी का उसे देखने के लिए जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, सातवतवंशी बलराम जी कुरुक्षेत्र का दर्शन कर वहां बहुत सा धन दान करके उस स्थान से एक महान एवं दिव्य आश्रम में गए। महुआ और आम के वन उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। पाकड़ और बरगद के वृक्ष वहां अपनी छाया फैला रहे थे। चिलबिल, कटहल और अर्जुन के पेड़ चारों ओर भरे हुए थे। पुण्यदायक लक्षणों से युक्त उस पुण्यमय श्रेष्ठ आश्रम का दर्शन करके यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने उन समस्त ऋषियों से पूछा कि यह सुंदर आश्रम किसका है। राजन, तब वे सभी ऋषि महात्मा हलधर से बोले, बलराम जी, पहले यह आश्रम जिसके अधिकार में था उसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में यहां भगवान विष्णु ने उत्तम तपस्या की है। यही उनके सभी सनातन यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुए हैं। यही कुमार अवस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी रहती थी, जो तप सिद्ध तपस्विनी थी। वह योग युक्त होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, नियम पूर्वक व्रत धारण और ब्रह्मचर्य पालन करने वाली वह तेजस्विनी साध्वी महात्मा शांडिल्य की सुपुत्री थी। स्त्रियों के लिए जो अत्यंत दुष्कर था, ऐसा घोर तप करके देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हुई वह महान सौभाग्यशालिनी देवी स्वर्गलोक को चली गई थी। ऋषियों का वचन सुनकर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले बलराम जी उस आश्रम में गए। वहां हिमालय के पार्श्व भाग में उन ऋषियों को प्रणाम करके संध्या वंदन आदि सब कार्य करने के अनंतर वे हिमालय पर चढ़ने लगे। जिनकी ध्वजा पर ताल का चिन्ह सुशोभित होता है, वे बलराम जी उस पर्वत पर थोड़ी ही दूर गए थे कि उनकी दृष्टि एक पुण्यमय उत्तम तीर्थ पर पड़ी। वह सरस्वती की उत्पत्ति का स्थान पलक्ष प्रसरवण नामक तीर्थ था। उसका दर्शन करके बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे कारपवन नामक उत्तम तीर्थ में गए। महाबली हलधर ने वहां के निर्मल, पवित्र और अत्यंत शीतल पुण्यदायक जल में गोता लगाकर ब्राह्मणों को दान दे देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात रणदुर्मद बलराम जी यतियों और ब्राह्मणों के साथ वहां एक रात रहकर मित्रा वरुण के पवित्र आश्रम पर गए, जहां पूर्व काल में इंद्र, अग्नि और अर्यमा ने बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की थी। वह स्थान यमुना के तट पर है। कार पवन से उस तीर्थ में जाकर महाबली धर्मात्मा बलराम ने स्नान करके बड़ा हर्ष प्राप्त किया। फिर वे यदुपुंग बलभद्र ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएं सुनने लगे। इस प्रकार वे लोग वहीं ठहरे हुए थे। तब तक देवर्षि भगवान नारद भी उनके पास उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां बलराम जी विराजमान थे। राजन, महातपस्वी नारद जटामंडल से मंडित हो सुनहरा चीर धारण किए हुए थे। उन्होंने कमंडलु, सोने का दंड तथा सुखदायक शब्द करने वाली कच्छपी नामक मनोरमा वीणा भी ले रखी थी। वे नृत्य गीत में कुशल, देवताओं तथा ब्राह्मणों से सम्मानित, कलह कराने वाले तथा सैदव कलह के प्रेमी हैं। वे उस स्थान पर गए जहां तेजस्वी बलराम बैठे हुए थे। उन्होंने उठकर नियम और व्रत का पालन करने वाले देवर्षि का पलिभांति पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछा। राजन, तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता नारद जी ने उनसे यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बता दिया कि कुरुकुल का अत्यंत संहार हो गया है। तब रोहिणी नंदन बलराम ने दीनवाणी में नारद जी से पूछा, तपोधन, जो राजा लोग वहां उपस्थित हुए थे, उन सब क्षत्रियों की क्या अवस्था हुई है? यह सब तो मैंने पहले ही सुन लिया था। इस समय कुछ विशेष और विस्तृत समाचार जानने के लिए मेरे मन में अत्यंत उत्सुकता हुई है। नारद जी ने कहा, रोहिणी नंदन, भीष्म जी तो पहले ही मारे गए, फिर सिंधुराज जयद्रथ, द्रोण, वैकर्तन कर्ण तथा उसके महारथी पुत्र भी मारे गए हैं। भूरी श्रवा तथा पराक्रमी मद्रराज शल्य भी मार डाले गए। ये तथा और भी बहुत से महाबली राजा और राजकुमार जो युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं थे, कुरुराज दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करके स्वर्गलोक में चले गए हैं। महाबाहु माधव, जो वहां नहीं मारे गए हैं,
उनके नाम भी मुझसे सुन लो। दुर्योधन की सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और पराक्रमी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये शत्रुदल का मर्दन करने वाले तीन ही वीर शेष रह गए हैं। परंतु बलराम जी जब शल्य मारे गए तब ये तीनों भी भय के मारे संपूर्ण दिशाओं में पलायन कर गए थे। शल्य के मारे जाने और कृप आदि के भाग जाने पर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर द्वैपायन सरोवर में जा छिपा। जब दुर्योधन जल को स्तंभित करके उसके भीतर सो रहा था, उस समय पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां आ पहुंचे और अपनी कठोर बातों से उसे कष्ट पहुंचाने लगे। बलराम जब सब ओर से कड़वी बातों द्वारा उसे व्यथित किया जाने लगा, तब वह बलवान वीर विशाल गदा हाथ में लेकर सरोवर से उठ खड़ा हुआ। इस समय वह भीम के साथ युद्ध करने के लिए उनके पास जा पहुंचा है। राम, आज उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होगा। माधव, यदि तुम्हारे मन में भी उसे देखने का कौतूहल हो तो शीघ्र जाओ। यदि ठीक समझो तो अपने दोनों शिष्यों का वह महाभयंकर युद्ध अपनी आंखों से देख लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नारद जी की बात सुनकर बलराम जी ने अपने साथ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकों को आज्ञा दे दी कि तुम लोग द्वारका चले जाओ। फिर वे प्लक्ष प्रसरवण नामक शुभ पर्वत शिखर से नीचे उतर आए और तीर्थ सेवन का महान फल सुनकर प्रसन्न चित्त हो अच्युत बलराम ने ब्राह्मणों के समीप इस श्लोक का गान किया। सरस्वती नदी के तट पर निवास करने में जो सुख और आनंद है वह अन्यत्र कहां से मिल सकता है? सरस्वती तट पर निवास करने में जो गुण है वे अन्यत्र कहां है? सरस्वती का सेवन करके स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा सरस्वती नदी का स्मरण करते रहेंगे। सरस्वती सब नदियों में पवित्र है। सरस्वती सदा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। सरस्वती को पाकर मनुष्य इहलोक और परलोक में कभी पापों के लिए शोक नहीं करते हैं। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने बलराम जी बारंबार प्रेम पूर्वक सरस्वती नदी की ओर देखते हुए घोड़ों से जुते उज्ज्वल रथ पर आरूढ़ हुए। उसी शीघ्रगामी रथ के द्वारा तत्काल उपस्थित हुए दोनों शिष्यों का युद्ध देखने के लिए यदुपुंगव बलराम जी उनके पास जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। 55वां अध्याय, बलराम जी की सलाह से सबका कुरुक्षेत्र के समंत पंचक तीर्थ में जाना और वहां भीम तथा दुर्योधन में गदा युद्ध की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार वह तुमुल युद्ध हुआ जिसके विषय में अत्यंत दुखी हुए राजा धृतराष्ट्र ने इस तरह प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, संजय, गदा युद्ध उपस्थित होने पर बलराम जी को निकट आया देख मेरे पुत्र ने भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, बलराम जी को निकट पाकर युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका शक्तिशाली पुत्र महाबाहु दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। भरतनंदन हलधर को देखते ही राजा युधिष्ठिर उठकर खड़े हो गए और बड़े प्रेम से विधिपूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें बैठने के लिए उन्होंने आसन दिया तथा उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछा। तब बलराम ने युधिष्ठिर से मधुर वाणी में शूरवीरों के लिए हितकर धर्मयुक्त वचन कहा, निरपश्रेष्ठ, मैंने महात्मय कथा कहने वाले ऋषियों के मुख से यह सुना है कि कुरुक्षेत्र परम पावन पुण्यमय तीर्थ है। वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं। माननीय नरेश, जो मानव वहां युद्ध करते हुए अपने शरीर का त्याग करेंगे उनका निश्चय ही स्वर्गलोक में इंद्र के साथ निवास होगा। अतः नरेश्वर, हम सब लोग यहां से शीघ्र ही समंत पंचक तीर्थ में चलें। वह भूमि देवलोक में प्रजापति की उत्तर वेदी के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिलोकी के उस परम पुण्यतम सनातन तीर्थ में युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाएगा। महाराज, तब बहुत अच्छा कहकर वीर राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर समंत पंचक तीर्थ की ओर चल दिए। उस समय अमर्ष में भरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन हाथ में विशाल गदा लेकर पांडवों के साथ पैदल ही चला। गदा हाथ में लिए कवच धारण किए दुर्योधन को इस प्रकार आते देख आकाश में विचरने वाले देवता साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे।
वातिक और चारण भी उसे देखकर हर्ष से खिल उठे। पांडवों से घिरा हुआ आपका पुत्र कुरुराज दुर्योधन मतवाले गजराज की सी गति का आश्रय लेकर चल रहा था। उस समय शंखों की ध्वनि, रणभेरियों के गंभीर घोष और शूरवीरों के सिंहनादों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। तदनंतर वे सभी श्रेष्ठ नरवीर आपके पुत्र के साथ पश्चिमाभिमुख चलकर उस कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। वह उत्तम तीर्थ सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित एवं सदगति की प्राप्ति कराने वाला था। वहां कहीं ऊसर भूमि नहीं थी, उसी स्थान में आकर सबने युद्ध करना पसंद किया। फिर तो भीमसेन कवच पहनकर बहुत बड़ी नोक वाली गदा हाथ में ले गरुड़ कासा रूप धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दुर्योधन भी सिर पर टोप लगाए सोने का कवच बांधे भीम के साथ युद्ध के लिए डट गया। राजन, उस समय आपका पुत्र सुवर्णमय गिरिराज मेरू के समान शोभा पा रहा था। कवच बांधे हुए दोनों वीर भीमसेन और दुर्योधन युद्ध भूमि में कुपित हुए दो मतवाले हाथियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। महाराज, रणमंडल के बीच में खड़े हुए ये दोनों नरश्रेष्ठ भ्राता उदित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। राजन, क्रोध में भरे हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले वे दोनों वीर परस्पर इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों द्वारा एक दूसरे को भस्म कर डालेंगे। नरेश्वर, तदनंतर शक्तिशाली कुरुवंशी राजा दुर्योधन प्रसन्न चित्त हो गला हाथ में ले क्रोध से लाल आंखें करके गलफरों को चाटता और लंबी सांसें खींचता हुआ भीमसेन की ओर देखकर उसी प्रकार ललकारने लगा जैसे एक हाथी दूसरे हाथी को पुकार रहा हो। उसी प्रकार पराक्रमी भीमसेन ने लोहे की गदा लेकर राजा दुर्योधन को ललकारा मानो वन में एक सिंह दूसरे सिंह को पुकार रहा हो। दुर्योधन और भीमसेन दोनों की गदाएं ऊपर को उठी थीं। उस समय रणभूमि में वे दोनों शिखर युक्त दो पर्वतों के समान प्रकाशित हो रहे थे। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भरे थे, दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे और दोनों ही गदा युद्ध में बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम जी के शिष्य थे। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों महाबली वीर यमराज इंद्र वरुण श्री कृष्ण बलराम कुबेर मधु कैटब सुंद उपसुंद राम रावण तथा बाली और सुग्रीव के समान पराक्रम दिखाने वाले थे तथा काल एवं मृत्यु के समान जान पड़ते थे। जैसे शरद ऋतु में मैथुन की इच्छा वाली हथिनी से समागम करने के लिए दो मतवाले हाथी मदोन्मत होकर एक दूसरे पर धावा करते हों, उसी प्रकार अपने बल का गर्व रखने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे से टक्कर लेने को उद्यत थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों योद्धा दो सर्पों के समान प्रज्वलित क्रोध रूपी विष का वमन करते हुए एक दूसरे को रोष पूर्वक देख रहे थे। भरत वंश के वे विक्रमशाली सिंह दो जंगली सिंहों के समान दुर्जय थे और दोनों ही गदा युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते थे। पंजों और दाढ़ों से प्रहार करने वाले दो व्याघ्रों के समान उन दोनों वीरों का वेग शत्रुओं के लिए दुस्सह था। प्रलय काल में विक्षुब्ध हुए दो समुद्रों के समान उन्हें पार करना कठिन था। वे दोनों महारथी क्रोध में भरे हुए दो मंगल ग्रहों के समान एक दूसरे को ताप दे रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित दो वृष्टिकारक मेघ भयंकर गर्जना कर रहे हों, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे को देखते हुए भयानक सिंहनाद कर रहे थे। महामनस्वी महाबली कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन और भीमसेन प्रखर किरणों से युक्त प्रलय काल में उगे हुए दो दीप्तिशाली सूर्यों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। रोष में भरे हुए दो व्याघ्रों, गरजते हुए दो मेघों और दहाड़ते हुए दो सिंहों के समान वे दोनों महाबाहु वीर हर्षोत्फुल्ल हो रहे थे। वे दोनों महामनस्वी योद्धा परस्पर कुपित हुए दो हाथियों, प्रज्वलित हुई दो अग्नियों और शिखर युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों के ओठ रोष से फड़क रहे थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए हाथ में गदा ले परस्पर भिड़ने के लिए उद्यत थे। दोनों अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरे थे। दोनों ही बड़े सम्मानित वीर थे। मनुष्यों में श्रेष्ठ वे दुर्योधन और भीमसेन हींसते हुए दो अच्छे घोड़ों, चिंघाड़ते हुए दो गजराजों और हंकड़ते हुए दो सांडों तथा बल से उन्मत्त हुए दो दैत्यों के समान शोभा पाते थे। राजन, तदनंतर दुर्योधन ने अमित पराक्रमी बलराम, महात्मा श्री कृष्ण,
महामनस्वी पांचाल, सृंजय, केकयगण तथा अपने भाइयों के साथ खड़े हुए अभिमानी युधिष्ठिर से इस प्रकार गर्वयुक्त वचन कहा, वीरो, मेरा और भीमसेन का जो यह युद्ध निश्चित हुआ है, इसे आप लोग सभी श्रेष्ठ नरेशों के साथ निकट बैठ कर देखिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर तो राजाओं का वह विशाल समूह वहां सब ओर बैठ गया। नरेशों की वह मंडली आकाश में सूर्य मंडल के समान दिखाई दे रही थी। उन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता तेजस्वी महाबाहु बलराम जी विराजमान हुए। महाराज, सब ओर से सम्मानित होते हुए नीलांबरधारी गौरकांति बलभद्र जी राजाओं के बीच में वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे रात्रि में नक्षत्रों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। महाराज, हाथ में गदा लिए वे दोनों दुस्सह वीर एक दूसरे को अपने कठोर वचनों द्वारा पीड़ा देते हुए खड़े थे। परस्पर कटु वचनों का प्रयोग करके वे दोनों कुरुकुल के श्रेष्ठतम वीर वहां युद्ध स्थल में वृत्रासुर और इंद्र के समान एक दूसरे को देखते हुए युद्ध के लिए डटे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में युद्ध का आरंभ विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।